कुछ क्वेश्चंस, एक तो मैं आपको सुवेनीर पेश करना चाहूँगा, बाकी हमारा कुछ पेंटिंग्स का काम है और कुछ मैंने टाइम स्पेंड करना है, हमारे सब दोस्त जो आए हुए हैं, कुछ हमने ग्रुप तस्वीरें भी उतारनी है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप में से कोई एम्बेसडर साहब हीज़ा, मैं आपके सामने नहीं कह रहा एम्बेसडर साहब ये, बट यू आर अ प्राइड फॉर पाकिस्तान एंड ही इज़ वन ऑफ दोज एम्बेसडर्स। आप लोग तो, हम तो आपस में यहाँ पे डिस्पोंडेंसी फैलाते हैं कि हमारी दुनिया में कोई नहीं सुनता, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। एम्बेसडर मसूद खान इज़ अ विटनेस, इन फैक्ट ही इज़ अ रीज़न व्हाई वर्ल्ड लिसन्स टू पाकिस्तान। हम तो यहाँ पे अपने मसाइल में उलझे रहते हैं, लेकिन एम्बेसडर मसूद खान, जो लोग पढ़ रहे हैं आईआर पॉलिटिकल साइंस, जो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी को क्लोजली देख रहे हैं, उनको पता है कि एम्बेसडर मसूद खान इज वन ऑफ दोज पीपल जो यूएन के अंदर बड़े बड़े मुल्कों को नचाया है और हिलाया है। लेकिन ये चीज़, ये खबरें हमारी अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर नहीं आती और आ भी नहीं सकती, क्योंकि डिप्लोमेसी है शायद, ऐसी ही बात है एम्बेसडर साहब। तो एम्बेसडर साहब जो है, ही इज मेरे लिए, एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली, यू आर अ हीरो फॉरेन पॉलिसी, और आपने जो काम किया उसके ऊपर हमें तो जितना आपको, आई एम श्योर के हमारी रियासत और कौम आपको दाद देती होगी, और लेकिन उससे भी बढ़ के शायद देना चाहिए, और हम आपसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे आगे भी। और क्यू एन ए, अगर कोई सुवेनियर से पहले अगर कोई क्यू एन ए, अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप अपना हैंड बस रेज कर लें एंड जस्ट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड अपना क्वेश्चन शॉर्ट रखें, क्योंकि एम्बेसडर साहब की भी इंगेजमेंट है आगे, तो कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट। और एम्बेसडर साहब, आई होप कि थोड़ा सा जो इसमें वो हो जाए, तो प्लीज़ हु वी शुड स्टार्ट, माइक है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, वो माइक्रोफोन में बोलिएगा जी। तो वो आपने एड्रेस कर दिए, एक क्वेश्चन मेरा इस तरह का है कि एज अ फॉर्मर एम्बेसडर, व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट एजुकेशन पॉलिसी। आज हम 5 फरवरी को मतलब बना रहे हैं युवा यकजहती, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में वी डोंट हैव एनी सब्जेक्ट अबाउट द कश्मीर स्टडीज, प्राइमरी लेवल से लेके ग्रेजुएशन तक उस तरह का कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। एज फार एज कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, आप उसमें फैकल्टी में या फैकल्टी में। तो आप शुरू करवाइए ना जी। आप शुरू कर दीजिए जी। जी आप शुरू करवाइए, देखिए शुरू में शायद कोई लोग रिजर्वेशंस एक्सप्रेस करें, बाद में आपके साथ आपका काफिला बढ़ता चला जाएगा। इट्स अ गुड प्रपोजल। मैं इस पर यह कहूँगा कि जब भाई और बहनों में इख्तलाफ हो जाए तो उनके दरमियान मुकालमा होना चाहिए। आपका एक नुक्ता नज़र है और मैंने भी बिलतसरी उसका जिक्र किया, लेकिन जो वादी कश्मीर के लोग हैं, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, उनका भी एक सोच समझ के तहत एक नुक्ता नज़र उन्होंने दिया है। उन्होंने ऐसे ही नहीं कि गिलगित बल्तिस्तान की मुखालफत ब्राय मुखालफत करने के लिए नहीं किया, आज़ाद कश्मीर का भी उनसे कोई मिलता जुलता मौक़िफ़ है। तो बजाय इसके कि मैं जवाब दूं, ये सियासी क़ुव्वतों के दरमियान एक समझौता होना चाहिए, और उसमें मैंने जैसा कि कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का ये ख्याल है बल्कि मौक़िफ़ है कि उन्हें एक पूरे सूबे का दर्जा देना चाहिए। मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ। मेरे गुज़श्ता हफ्ते जो आपकी कानून साज इदारा है उसके सारे के सारे अरकान आए हुए थे, मुझे उनसे बातचीत करने का मौका मिला और दो नुकात पे हमारी बुनियादी तौर पर बात होती रही।
उसमें उन्होंने कहा कि उनको आईनी हकूक चाहिए, और दूसरा उन्होंने कहा कि सिपेक में इक्तसादी राहदारी में उनका भरपूर हिस्सा होना चाहिए। तो मैंने पहले के ऊपर कहा कि आप मुकालमा जारी रखिए और मामले की नज़ाकत को समझते हुए कोई ऐसा हल ढूंढिए जो सबके लिए काबिल कबूल हो। और दूसरा मैंने ये कहा कि राहदारी इसके ऊपर भी वक्त आप ज़रूर सर्फ कीजिए, लेकिन राहदारी के ऊपर ज़्यादा वक्त सर्फ कीजिए ताकि आप अपने लोगों के लिए रोज़गार, तालीम, नए कारोबार का इंतज़ाम करवा सकें। क्योंकि मैंने उनको इससे ये कहा कि अगर आपके पास 10 मिनट हैं और 9 मिनट आप अपने स्टेटस के ऊपर बात करते रहेंगे और 1 मिनट जो है वो राहदारी के ऊपर बात करेंगे, तो हो सकता है कि आप पीछे रह जाएंगे। सर एक सेकंड, वो एक क्वेश्चन बस कर लेते हैं, इसी फॉलो अप कर बस, ठीक है? आपका भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप भी कर लें। एक क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखे, ये मुमकिन है, लेकिन मेरा मशवरा ये होगा कि इसे ना किया जाए, और उसके लिए मेरे दलाल ये हैं। पहली बात ये है कि चीन का हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त झगड़ा भी है, और मकबूजा कश्मीर के साथ जो मुलहक और मनसलिक इलाका है अक्साई चिन, और उसके अलावा उनका दूसरा भी एक इलाका है जिसके ऊपर, तो जो लोग वहाँ मकबूजा कश्मीर में फौजी हैसियत में मुतायन होते हैं, कोई उनका फौजी कमांडर हो, तो उसको उन्होंने ये किया, वो भी किसी न किसी तरीके से वो हल कर चुके हैं। अगर हमारा सूरत हाल ये है कि हम ये कर सकते हैं, बहुत आसान काम है, एक पासपोर्ट की बजाय हम उनको, हमने वो क्या नाम है उसका, हिंदुस्तान का जो एक्टर है उसको, अनुपम खेर, उसको उसने बड़ा शोर मचाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि हमने उसको वीज़ा देने से इनकार कर दिया है, लेकिन उसी तरीके से हम बाकी शख्सियात के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नुकसान हमारे कश्मीरी भाइयों और बहनों को होगा। उनको अव्वल वो पासपोर्ट ही नहीं देते, अगर वो हमने ये पाबंदी लगा दी तो वो कहेंगे कि तुम किस चीज़ के लिए पासपोर्ट मांग रहे हो, तो पाकिस्तानी तो तुम्हें जाने ही नहीं दे रहे हैं। तो हम नादानिस्ता तौर पर अपने ही भाइयों और बहनों के ऊपर एक और पाबंदी लगा देंगे, मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं। एक क्वेश्चन, कमांडर अब्दुल अजीज़, आप पूछ लें, पूछिए आवाज़ में, इनको माइक्रोफोन चाहिए जी। सर आई हैव ऑन गिलगित बल्तिस्तान, सर गिलगित बल्तिस्तान पे, सर वन इज गिलगित बल्तिस्तान पे, एडिंग टू योर कमेंट। हां आप कहां से हैं वैसे? सर आई एम कमांडर रिटायर्ड अब्दुल अजीज खान। जी जी। आई एम आल्सो सनल साइड लाइक यू। जी जी, किस जगह से हैं? बाग से। अच्छा, सुभान अल्लाह। चलिए मैं ये ऐड करना चाहता हूं, जो व्हाटएवर जी अब्दुल साहब सेड अबाउट द गिलगित एजेंसी एंड पाकिस्तान, बहुत बनाने की कोशिश की जा रही है। बैक टू द हिस्ट्री, जब राजा तो मीर ने जब ये गिलगित बल्तिस्तान को फतह करके, तो इसको कोशिश की, उम्मीद जाहिर थी कि ये पाकिस्तान के साथ हम, जिस तरह के महाराजा ने किया, तो हम भी एक्सेप्शन करना चाहते हैं। तो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ा पोलाइटली कहा कि इसको अगर एक्सेप्ट करते हैं, वी हैव इन पीसेस वी एक्सेप्टेड द कश्मीर, सो लेट इट टू बी द लेटेस्ट स्टेज वी डिसाइड एंड एज ए होल it should be decided with as a whole Kashmir, uske sath iska masla hal karna chahiye. To main samajhta hu ki ye our permanent province, we will defeat our defensive stand on Kashmir. So like as Kashmir, the question is ki it should not be given the status, jo provincial status. It should be like as a political agent, and it was part of Kashmir, and Mr. Sardar Ibrahim Khan sir in 1949 with an agreement was given to Pakistan. Thank you.
Thank you. मायूस ना हो. यहाँ आप अकलियत में. Another question, sir. Very quickly. Very quickly. Sir, direct question. Direct question. Study in the about the Kashmir history. Everybody says UNO is fair. They have not implemented this thing and that thing. I have studied in depth, and believe me, I am very sincerely say कि जितना यूनाइटेड नेशन ने कश्मीर के ऊपर काम किया. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. 1949 से लेके 1948 से जब ये 1 जनवरी को हुआ, 20 जनवरी को उन्होंने कमीशन बनाया. बस ठीक है कमर साहब, लेट लेट द मास्टर साहब स्पीक. 1957 दे हैव अबैंडन्ड द इशू. दे सेड दैट द यूनाइटेड नेशन इज नॉट एनी मोर अ वायबल प्लेटफॉर्म फॉर दिस इशू बिकॉज़ पाकिस्तान स्पेशली इंडिया. Let him answer these two points. So, later on, sir, because this was taken with one party to the United Nations, and a similar agreement, both parties agreed that we should bilateral. Kya hai isme grami aapka? अब्दुलजीज खान साहब को भी तकरीर का मौका देना चाहिए था. ये बड़ी ज्यादती है. अच्छा, मैं आपको दोनों सवालों के जवाब देता हूँ. What was the second question? Second question was about UN. ठीक है, I recall that. देखिए जी, मैं सबसे पहली बात ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़ है वो यही है कि पूरी की पूरी जो इलाका है वो मुतनाज़े है, और उसमें जो मैं बल्कि अपने दोस्तों को ये भी बताता रहता हूँ कि गाहे बगाहे जो हमने नक्शे जमा करवाए हैं अक़वामे मुत्तहिदा में, या अक़वामे मुत्तहिदा ने जो नक्शे बनाए हैं, उसमें जो मकबूज़ा इलाका दिखाया जाता है उसमें गिलगित बल्तिस्तान शामिल है. और दूसरे ये है कि जो हमने चीन के साथ मुआहदा किया, मशहूर मुआहदा किया हुआ है, ये कहा हुआ है कि जब इस इलाके का, इस पूरे मामले का तस्फिया होगा तो तब हम तय करेंगे कि जो हमने टेरिटरी का तबादला किया उसका क्या होना है. लेकिन इसके साथ एक चूँकि एक मुतवाजी हरकत भी रही है, और वो ये है कि आज़ाद कश्मीर की जो खित्ता है उसमें एक सदर है, वज़ीर आज़म है, उसमें बाइकैमरल लेजिस्लेशन, एक एजे के काउंसिल है, नीचे एक पूरी की पूरी मुकन्ना है, उसके साथ जो एक हाई कोर्ट है और उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट है. तो वहाँ तीनों आपके जो जिसको कह सकते हैं कि यू कैन इन इंग्लिश यू कैन से यू हैव द ट्रैपिंग्स ऑफ अ सॉवरेन स्टेट, इन लोगों को ये महरूम रहे हैं. और उसके बाद इनको अगरचे ट्रैपिंग्स ऑफ अ प्रोविंस दे दी गई हैं, मिसाल के तौर पर इनके पास जो है वो सदर या वज़ीर आज़म नहीं है, इनके पास सूबे के जो एपलेशंस होती हैं, मिसाल के तौर पर यू हैव व्हाट यू कॉल द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर. सो इस तरीके से, एक तरीके से इनको यूं बराबर कर दिया गया. तो लेकिन मसला सियासी है, और जो कहूँगा मैं मोहतात अल्फाज के गुफ्तगू शुनीद से हल करना चाहिए, और तमाम भाइयों और बहनों के दरमियान बातचीत होनी चाहिए. जो फेडरेशन है रियासत पाकिस्तान, उसको पूरी हमदर्दी है. और लेकिन एक चीज़ गिलगित बल्तिस्तान वाले याद रखें कि बड़े बड़े खत्ते होते हैं, तो मैं अपने जितने भी मुखातबीन हैं उनसे कहता रहता हूँ कि देखें, बाज़ोकात तारीख फैसला कर लेती है, तारीख के जो धारे हैं वो फैसला करते हैं कि किस इलाके की अहमियत बढ़ गई. तो उस पर दो इलाके हैं इस वक्त पाकिस्तान के, एक गिलगित बल्तिस्तान है और दूसरा बलूचिस्तान है. तो उनको इस वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए. स्पॉटलाइट उनके ऊपर है, वो अपने इलाकों को तरक्की दें, अपने लोगों को उठा लें एकदम, और इंशाल्लाह उनके हकूक जो है उनको भी तस्लीम कर लिया जाएगा. दूसरा, अक़वामे मुत्तहिदा ने बहुत काम किया है. आज ये अहमद कुरैशी साहब फरमा रहे थे, इन्होंने फेसबुक के बारे में आपको एक टिप दी है. मैं आपको आज आप जाएँ पाकिस्तान को, जो आप जिक्र कर रहे थे, 1948 का जो पहली करारदाद है अक़वामे मुत्तहिदा की, उसकी विकिपीडिया में है कुछ तफसीर लिखी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है कि 2010 में, नीचे कि 2010 में पाकिस्तान इससे दस्तबरदार हो गया था, और बल्कि सलामती काउंसिल ने यह फैसला कर लिया था कि ये एक फाल एजेंडा आइटम नहीं है जम्मू कश्मीर. तो मैं आप में से किसी से, जो आप लोग जो बहुत ट्वीट करते हैं या जो बहुत ही इंटरनेट सैवी हैं, मैं उनसे ज़रा रिक्वेस्ट करूँ, पुरवश आप ही कर दें, उसे अमेंड कर दें कि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप एडिट कर सकते हैं, ओपन एडिटिंग हो सकती है. यू आइदर लॉग इन और यू डोंट लॉग इन, बट यू कैन एडिट इट. ठीक है, या किसी को मोटिवेट कर दें, वाई शुड बी डन बिफोर 10 o'clock टुडे. ठीक है, इट कैन बी डन लाइक दिस. इन्होंने दुरुस्त कहा है कि अक्वामे मुत्तहिदा में हर साल जो मुस्तकिल मंदूब होता है जनवरी में, एक खत सेक्रेटरी जनरल को लिखता है और प्रेजिडेंट सिक्योरिटी काउंसिल को लिखता है,
2015 में मैंने लिखा था, निस्मत तबा मलिहा लोधी ने लिखा, उससे पहले दो साल मैं लिखता रहा कि इसको अपने एजेंडे पे बरकरार रखा जाए, और वो बरकरार है। और मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यहाँ दफ्तर खारजा में होता था, उस वक्त मैं डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशंस होता था, तो कई मुजाकरात में मुझे दिल्ली जाने का इत्तफाक हुआ, तो वहाँ नटवर सिंह खुर्शीद कसूरी साहब से ये कहा करता था कि भाई मान गए, ये मैं नहीं कह रहा कि उसकी नीयत दुरुस्त थी, लेकिन वो कहता ये था कि मान गए कि हिंदुस्तान जैसा बड़ा मुल्क, इतने अच्छे ताल्लुकात, इतने वसी वसाइल, आपको हमने हर तरीके से तंग किया और हर तरीके से आपके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की, आपको पाबा जंजीर किया। मैं पैराफ्रेजिंग इन अ फ्लावरी लैंग्वेज, बट द पॉइंट इज, उसने कहा कि इसके बावजूद मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूँ आपके डिप्लोमेट्स, आपकी रियासत को, कि आपने इस मसला कश्मीर को जिंदा रखा अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद। विद दिस, अच्छा जी, देयर आर टू लास्ट क्वेश्चन, आप आधा आधा सवाल कर। मैं यूएन का तालिब इल्म एक्सपर्ट नहीं, कोई नहीं हो सकता। जी जी, ये सही, ये सही। उसका असल में मसला ये, बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ द रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मैं तो इशारे के नाय से आपको बता देता हूँ। बुनियादी तौर पर यह है कि जब आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो पांच मुस्तकिल अरकान की बात कर रहे हैं। अमरीका, बरतानिया और फ्रांस तो नहीं चाहते, वो कभी ऐसे गुफ्तगु करते रहते हैं कि जी दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करें, एक ये दिक्कत आड़े आ रही है। रूस जो है वो हिंदुस्तान का हामी था, हलीफ था, अभी भी जो है वो उसकी इस मामले के ऊपर अब खामोश हो गया, कमर पाकिस्तान की ये कामयाबी है। चीन जो है उसके अपने कुछ मामलात चल रहे हैं, तिब्बत के हवाले से, शिनचियांग के हवाले से, और उसे ज़रा मोहतात रवैया इख्तियार करना पड़ता है, वरना वैसे बिलवास्ता और बराह रास्त तौर पर बैन अवी फोरम्स पर चीन पर हमारी मदद करने की कोशिश की। तो एक ये मसला है, तो अक्वाम मुत्तहिदा की ताकत उसके मुस्तकिल अरकान से मशरूत है। और उसकी मैं एक और वजह आपको ये बताता हूँ कि इस वक्त चले कश्मीर को छोड़ दें, अक्वाम मुत्तहिदा शाम के सिलसिले में क्या कर रही है, या इराक के बारे में, या लिबिया के बारे में उसने क्या किया, या आईएसएस के, ये करारदादें पास कर दी ना, वो चैप्टर 7 के तहत है ना, वो कामयाब हुए, वो सारे के सारे रूस और अमरीका एक दूसरे से तय कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रियल पॉलिटिक। सो रियल पॉलिटिक आड़े आ रही है। अगर आपने कामयाब करना है तो जो मैंने दो आपको कलीदी नुक्ते बताए हैं, इल्म और दौलत, ठीक है ना जी, सो दैट यू हैव इन्फ्लुएंस, तो उसकी वजह से आप इनको अबूर कर सकते हैं। आज नहीं तो आपका वक्त ज़रूर आएगा जनाब। आप ये मैंने कहा, वहाँ के लोग कह रहे हैं, मैं अल्फाज एहतियात से चुनता हूँ। नो प्रॉब्लम, अच्छा, इसके लिए ये है कि आप अपना तलबा का एक वक्त लेके गिलगित बल्तिस्तान चले जाइए, उनको मनवा लीजिए, और दूसरा ये है कि रावलपिंडी या इस्लामाबाद में, ठीक है जी, ये मुशावरत कर लीजिए, और तीसरा ये है कि अगर ये नहीं हो पा रहा, जो आपकी तजवीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा रेडिकल तजवीज़ है और इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है सियासी वजूह की बुनियाद पे, तो वो सड़क तो ज़रूर बना लीजिए जिससे आपके रास्ते कम हो जाए। सड़क बनी है? नहीं जी, वो अभी जो है उसको ऑल वेदर बनाना है, वो दरमियान जिससे आपके फासले घट जाएंगे। सर, एक इफ्तिखार है सर,
मेरा नाम इफ्तिखार है। मैं ये जानना चाह रहा था आपका इतना एक्सपोजर है इंटरनेशनल, आपकी राय में यूथ को एक तो लॉबिंग तो चल रही है, ठीक है, यूथ फॉरम फॉर कश्मीर इज वर्किंग वेरी हार्ड, एक सर्टन मूवमेंट है, कहीं ना कहीं मैं भी इसमें कुछ सपोर्ट कर लेता हूँ वन वे और दी अदर। माई क्वेश्चन इज यूथ को मोटिवेट किस तरह से आपके राय में किस तरीके से किया जा सकता है। मैं इस सवाल दरअसल में कर रहा हूँ, इसकी वजह ये कि मिसाल के तौर पे इस रूम में ही आप देख भी रहेंगे जो आपके करीब बैठे हैं वो देयर लिसनिंग, मेल एंड फीमेल, वो आपकी तरफ मुतवज्जे भी हैं, आपसे सवाल भी कर रहे हैं। मेरे ऊपरी ग्रो है उनमें एक जो है वो गाने भी सुन रही थी हेडफोन्स लगा के, डिसइंटरेस्ट हुए हैं, वो एक जो है वो कह रही मुका दो यार आखिरी क्वेश्चन होना चाहिए, और उसके अलावा यू नो तो इंडियन से ज़्यादा सेबोटाज करें ना करें इन्होंने जरूर कर देना है। तो सॉलिडारिटी और ये हाउ डू वी मोटिवेट देम, एक तो वादा उनका जो आप कर दीजिए ना जी और उसका क्या मुतालबा आप बता दीजिए, वो बुलंद आवाज में बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर का वो लिबरेशन। तरीके आज़ादी पे वो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट है, तो मैं कहता हूँ कि उसका भी जिक्र होना चाहिए, सब लोगों ने जिक्र किया है लेकिन उसका जिक्र भी मस्त होना चाहिए। वो भी कश्मीर की कुर्बानियों को याद करते हैं, लेकिन ये है कि उनका जो मंशूर है वो ये है कि देखें घर जो है वो अपने घर को आप किसी के हवाले नहीं करेंगे कि कोई आपके घर के ऊपर दूसरा हुक्मरानी कर सके। जैसे पाकिस्तान हमारा ठीक है इस्लामी मुल्क जो है भाई है, ठीक है, हम इज्जत करते हैं और जिसकी वजह से देखिए पाकिस्तान के अखबार जो है वो पढ़ता नहीं है, लेकिन ये है कि अपना घर भी तो होना चाहिए जिसमें हमें जो है। जी जी, आप उस बच्ची को मासूम कर रहे हैं, मायूस कर रहे हैं जिसने कहा था कि आखिरी सवाल होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपने नुक्ता हम उठाया। मैं आपको पीछे ले जाता हूं, 1997-98 की बात है, मैं वाशिंगटन डीसी में था, तो उस वक्त जो है एक तरफ जो थे वो मेरा ख्याल है कि मैं मुझे याद नहीं जो कि मतलब APHC के नुमाइंदे थे, और दूसरी तरफ जो यासीन मलिक साहब के साथ बातचीत हो रही थी, तो किसी ने वहीं से मेरा ख्याल है कि किसी हिंदुस्तानी ने या नीम हिंदुस्तानी ने या किसी अमेरिकी ने ये सवाल पूछा यासीन मलिक साहब से कि जनाब आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये लोग इल्हाक चाहते हैं और कुछ लोग हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो ये आप लोगों का क्या मुकालमा है, आपको तो खुद जो है इससे पहले कि आज़ादी मिले आपके यहाँ इस किस्म का तजाद मौजूद है। तो यासीन मलिक साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, उन्होंने कहा कि ये आप हम कश्मीरियों के ऊपर छोड़ दीजिए, हम इसका फैसला करेंगे जमहूरी तरीके से फैसला करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप हमेशा इसके ऊपर आवाज़ बुलंद करते हैं और आपका मुतालबा जाना पहचाना है, वहाँ यासीन मलिक साहब हैं, यहाँ अमानुल्लाह साहब हैं, उनकी बड़ी खिदमात हैं बरसा बरस से। तो कहने का मतलब यह है कि ये नुक्ता नज़र किसी से पोशीदा नहीं है, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि काविश कर रहे हैं, यासीन मलिक साहब ने की बहुत कुर्बानियाँ और खिदमात हैं, गिलानी साहब ने भी इस झंडे को इतनी तवानाई से इतने बरसों से कायम रखा हुआ है, और दूसरे भी कश्मीरी अमायदी ने। अच्छा जी, ये ख़त्म हो गए, मैं कुछ आखिर में एक दो एक कंक्लूडिंग सेंटेंस सर, वो एक वो एक्सप्रेस न्यूज़ के लास्ट है, दिस इज लास्ट। जब तक आप वहाँ पे रहे तो मौकफ काफी स्ट्रांग रहा, आप वापस आए तो मौकफ काफी कमजोर हो गया, एक तो क्रेडिट जाता है कुरैश साहब को, आपका बड़ा फोरम आपने ऑर्गेनाइज किया है, ये अच्छा तरीका है, मैसेज है दुनिया को देने का, ना कोई सड़क ब्लॉक हो जाए ना किसी और पर स्टेशन पर। तो मेरा क्वेश्चन, हमें सख्त मौकफ कब अपनाना पड़ेगा, कब हमें अपनाना चाहिए, क्या 5 फरवरी का हम हर साल इंतजार करेंगे 5 फरवरी का? ठीक है, तो आपको जाता है जो आपका भी कश्मीर से ताल्लुक है, लवो लहजे में बहुत हमदर्दी है। तो सुनिए, मैं नहीं कहना चाहता कि मेरे रफाकार ने मेरे आने के बाद काम कम कर दिया है, ये मैं आपको गवाही देता हूँ कि तमाम हमारा जो पाकिस्तान, मुझे इस बात पे फख्र है कि दफ्तर खारजा के हूँ। नहीं देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि उनमें से उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे तरबियत याफ्ता है, मुझे मायूसी होगी कि वो अगर अपने महाजों से पीछे हट जाए,
और पाकिस्तान का, ये मैं आपको गवाही देता हूँ कि पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट जो है वो कम अज़ कम मद्दे मुकाबल के दसवें भाग, क्योंकि हमारे पास वसाइल भी कम है, सिर्फ जज्बे की और जज्बा, हिम्मत और कुछ खुदा ताला की मदद, उसकी वजह से, जैसा कि इन्होंने कहा था, उसकी तरफ इशारा किया था, तो मैं भी कुछ खफीफ इशारे करना चाहता हूँ कि हम लोग हैं वहाँ जमे हुए हैं, मायूस ना हों, और एक फर्द के जाने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरी की पूरी जो है वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार मौजूद है। मैं आखिर में, चूँकि ये आखिरी था, मैं ये बेहतरीन तरीका ये है। क्या इसमें गरामी क्या है? बहुत सवाल उठा, अब ठीक है, अब जवाब देते। पहली बात ये है कि आपके ख़ानदान के जो शहदा हुए हैं, जिन लोगों ने, उनके लिए हम दुआ करते हैं, और आपके ख़ानदान को खराज अकीदत पेश करते हैं। आपने लहू का नजराना दिया है, और ये नजराना देना कोई आसान काम नहीं होते, उससे कई नस्लें मुतासर होती हैं, कई घराने मुतासर होते हैं। तो मेरी ज़ाती तौर पर आपके साथ बहुत हमदर्दी है, हमदर्दी से ज़्यादा ताज़ियत है उन तमाम ख़ानदानों को जिसने इतनी कीमती जाने कश्मीर के कौज में गंवाई हैं, और अहद करें कि इस लहू को रंग लाना चाहिए। अगर दुश्मन हमें किसी तरीके से मुनकसम करना चाहे या हमारे दरमियान फूट डलवाना चाहे, तो उस चैलेंज का भी हम मुकाबला कर लें, ये मैं पहली बात कहना चाहता हूँ। दूसरे, जो आपका मौकफ है गिलगित बल्तिस्तान का, वो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का मौकफ है, और यहाँ फेडरेशन में कई लोग हैं, कई वजारतें हैं जो आपके उस नुक्ता नज़र से मुत्तफिक हैं। आखिरी पॉइंट ये था कि हम क्यों दिफाई पोजीशन में हो जाते हैं। जो पाकिस्तान कभी जारहियत की पोजीशन में रहा है, कभी मुदाफियत की पोजीशन में रहा है, तो मुसलसल पाकिस्तान बैनुल अक्वामी सतह पर, मैं आपको कह रहा हूँ, और बैनुल अक्वामी सतह पर
زبان و بیان سے جنگ ہوتی ہے, تلوار و تفنگ سے نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ہے کہ اس میں دوسرے سب سے پہلے جو میں آپ سب لوگوں کو پیغام دے رہا تھا, جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ اپنے اوپر اعتماد رکھیں. ٹھیک ہے ہم گرے ہیں کئی مرتبہ, لیکن گر کے اٹھیں گے, اور یہی کامیاب لوگوں کی نشانی ہوتی ہے اور کامیاب قوموں کی نشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت لوں, یہ دو مطلب ہے, ایک دو کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں احمد صفی صاحب نے میری بہت تعریف کی تھی, تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی ان کی تعریف کروں, اور لیکن میں صدقے دل سے کروں گا, خلوص نیت کے ساتھ کروں گا. میں ان کو بہت ان کا معترف ہوں, ان جس طریقے سے یہ ٹیلی ویژن کے پروگرام کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس میں جو حب الوطنی کا ایک دھاگا جو ان کے تمام پروگراموں میں سے گزرتا ہے, اور اس میں یہ کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھتے, ریاست پاکستان کے اعلیٰ ترین مفادات کا تحفظ کرتے رہتے ہیں, تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. اور میں جب ان کے ساتھ لاسٹ انٹرویو کیا تھا, اس سے پہلے ٹیلی فون پہ میں نے کہا کہ آئی ایم ون آف یور فینس, اس وجہ سے کہ لب و لہجہ نپت اللہ, اور یقین کہ جس یقین کے بارے میں آپ لوگوں سے ذکر کر رہا تھا, احمد قریشی کے پروگرام دیکھا کریں, وہ بڑی بے باکی سے اور جرت کے ساتھ وہ پروگرام پیش کرتا ہے. تو آئی پے دس ٹریبیوٹ ٹو ہم ایز این آؤٹ اسٹینڈنگ براڈ کاسٹر اینڈ آلسو ٹو ایکسپریس ٹیلی ویژن, کہ انہوں نے اتنے شاندار براڈ کاسٹر کو اپنے ہاتھ اسپیس لی ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں تعریف کرنا چاہتا ہوں شائستہ صفی, ایک اس وجہ سے کہ یہ صفی صاحب کی بیٹی ہے اور صفی صاحب کی بہت خدمات ہیں حریت کشمیر کے لیے, جد و جہد حریت کشمیر کے لیے, لیکن یہ رکی نہیں, اس نے اپنے سہیلیوں کو صرف یہ نہیں بتایا کہ جناب صفی صاحب میرے بڑے اچھے والد ہیں اور ان کے بڑی کارکردگی ہے, اس نے خود سے کام شروع کر دیا ہے, اور اس نے کام بھی کس چیز کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے جو مشکل ترین ہے, لیکن اگر کر لیا جائے تو مؤثر ترین ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ لابینگ. لہٰذا میں نے ان کے ساتھ ایک سیشن کیا تھا کہ لابینگ کیا ہوتی ہے جدید دور میں, اور میں نے کہا تھا کہ میں نے بلکہ ان کو یہ بتایا تھا کہ لابینگ کے لیے یقین محکم بہت ضروری ہے, کہ میں نے ان کو یہ مثالیں نہیں دی تھی موجودہ دور کی, میں نے جا کے حضور کی مثال دی تھی کہ وہ کیا ان کا طریقہ تھا جس سے ان کا پیغام آج 15 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی لوگ والنٹریلی لبیک کہتے. ٹھیک ہے جی, تو کشمیر کے سلسلے میں کیونکہ آپ لوگ حق پہ ہیں, اگر وہی جذبہ رہا تو لوگ کہیں گے لبیک اور وہ کشمیر کے بارے میں آپ کا ساتھ دیں گے. تو شائستہ صفی اور احمد قریشی کے لیے تھنڈرس اپلاس. Nothing much.